हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया हाउ कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू जेम डाइहैलाइड, जेम का मतलब होता है जेमिनल, एंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयरिंग जेम डाइहैलाइड। कहने का मतलब है बच्चों कि कार्बोनिल ग्रुप को कैसे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हमें बताना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सर, ये बता दो। तो की कॉन्सेप्ट लगेगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये है सी डबल बॉन्ड, हो ये है कार्बोनिल ग्रुप। अगर तुम यहां पर और यहां पर आर लगाओगे तो कीटोन, आर और एच लगाओगे तो एल्डिहाइड, एच और एच लगाओगे तब भी एल्डिहाइड होगा। अब इसका रिएक्शन कराना है, इसको कन्वर्ट करना है जेमिनल डाइहैलाइड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्शन करा देंगे। PCl5 जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं P, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पे Cl, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे Cl, PCl5 है, पांच हमारे क्या है बेसिकली यहां पे क्लोरीन जुड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो क्या बाहर निकला, POCl3, ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखो, फिर कार्बोनिल ग्रुप में यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड और सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, अब दो सी एल लग जाएगा। अब हमसे किसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया, जेमिनल डाइहैलाइड में। अब बच्चों जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो ये हमारा जेमिनल डाइक्लोराइड हो जाएगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, तो देखो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है तो तीन लोन पेयर होंगे दोनों क्लोरीन के पास में, तो तीन लोन पेयर इस क्लोरीन के पास में और तीन लोन पेयर इस क्लोरीन के पास में, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज इन जेमिनल डाइहैलाइड इज 6। कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। तो देखो कितना ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।